नमस्कार, मैं ओशी साहू और आप देख रहे हैं एएफसी टुडे। 21 दिन के लॉकडाउन का आज 17वां दिन है। आज ईसाई समुदाय का गुड फ्राइडे भी है। आज के दिन ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था। लॉकडाउन के चलते लखनऊ के सभी चर्च में फादर ऑनलाइन ही प्रार्थना करवा रहे हैं। आइए देखते हैं इस पे खास रिपोर्ट। अधिकारी अभिषेक प्रकाश और कमिश्नर सुजीत पांडे ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लखनऊ के लॉकडाउन में एक नया आदेश जारी किया। सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक आवश्यक वस्तुएं, मेडिकल कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, मीडिया कर्मचारियों की गाड़ियों को छोड़कर अन्य सभी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है और जिन लोगों को ऑफिस पहुँचना है वह सुबह 9:30 बजे से पहले ही ऑफिस पहुंच जाएंगे और 6 बजे के बाद ही वहां से निकलेंगे। अवध चौराहे पर सुबह 9:30 बजे से पुलिस ने मोर्चा संभाला और लोगों को रोकना शुरू कर दिया। हालांकि जो लोग मेडिकल या फूड सप्लाई से जुड़े थे उन्हें जाने दिया, बाकी लोगों को समझा बुझाकर वापस घर भेज दिया गया और वहीं पर जो लोग बेवजह घर से निकल रहे थे उनका चालान भी काटा गया। श्री श्याम परिवार द्वारा कोरोना में फंसे जरूरतमंद लोगों को खाना पहुँचाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि यह कार्य 12 दिनों से चल रहा है जिसमें हर दिन 4 से 5 हज़ार खाने के पैकेट को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। आइए देखते हैं इस पे खास रिपोर्ट। श्याम परिवार के सहयोग से यहाँ पे प्रतिदिन पिछले 12 दिनों से 5,000 पैकेट खाने का लगभग वितरण हो रहा है। लखनऊ के सारे रूरल इंटीरियर इलाकों में जहाँ झुग्गी झोपड़ी है वहाँ पे लगभग सारी जगह पे खाना जाता है और कुछ सरकारी संस्था जो भी यहाँ पे आप बोल देते हैं कि भाई हमें 400 पैकेट चाहिए, 300 पैकेट चाहिए, वो यहाँ से लेकर के चले जाते हैं पैक होकर के। बाकायदा डब्बे बड़े बड़े कार्टूनों में पैक होकर के खाना जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाता है और यहाँ पे पूरी सफाई की पूरी व्यवस्था है। साथ में पानी के पाउच और पानी की बोतलें साथ में वितरण की जाती हैं और डेली बिन नागा यहाँ सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खाने का वितरण होता है। और आगे इसमें हमारा एक सुझाव ये भी है कि शाम को थोड़ा बहुत चाय और बिस्किट की भी व्यवस्था जो हमारे पुलिस के कर्मचारी काम कर रहे हैं यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं उनके लिए चाय और पानी की भी, चाय और बिस्किट की भी व्यवस्था की जाए, इस पर भी विचार चल रहा है। आज श्री खाटू श्याम मंदिर रिवर सानी मार्ग ये भोजन प्रसाद वितरण हो रहा है। ये करीब 12 दिनों से चल रहा है और करीब 4,000 से 5,000 प्रसाद रोज गरीबों में और प्रशासन में बांटा जा रहा है। और रोज कोई किसी दिन पुलाव है, किसी दिन पूरी सब्जी है, इस तरह से वितरण हो रहा है। और आज पनीर मटर पुलाव के 4,000 वितरण करीब हुआ है। किसी भी ज़रूरतमंद को अगर ज़रूरत हो प्रसाद वितरण की तो हमारे महामंत्री रुपेश अग्रवाल जी का नंबर आपको मिलेगा, आप उस पर कॉल करके मंगा सकते हैं। करते हैं गोमती नगर, फैजुल्ला नगर गंज आदि कई एरिया हैं जहाँ पे हम लोग गरीब मजदूरों को ये प्रसाद वितरण कर रहे हैं। और प्रशासनिक भी करीब SDM काफ़ी जगह पे ये प्रसाद वितरण किया जा रहा है। अभी की खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें AFC Today News।